वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का जो अभी आपका साइंस का एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। गाइस यदि आप इन ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेते हो तो आप सिंपली बहुत अच्छे नंबर ले आओगे ऑब्जेक्टिव में। 32 में से 25 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। तो सिंपली आप इन सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेना। पहला ऑब्जेक्टिव है द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसका आंसर है मरकरी। ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक नहीं है, मतलब भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो जो एलपीजी का दहन है वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। देन चौथा क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो कहते हैं सिनेप्स। ओके, मानव युग्मज में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, यहाँ पर से मैच कर सकते हो आप पांचवे का ए। देन आपका सिक्स है कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवता होगा, तो वो क्षारक होगा और क्षारक का मान कितना होता है, 10। ठीक है, बाकी सब अम्ल के मान है। इसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन जो कि है किसी दर्पण के से चाहे आप कितनी भी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवता दर्पण है। तो यदि गाइस आप समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के सामने खड़े होगे ना तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा प्रतीत होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, समतल अथवा उत्तल। आठवां क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वह है दृष्टिपटल। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से गाइज पढ़ के ही जाइएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे नंबर गेन कर लोगे। ओके, सो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी नेक्स्ट और देखें आईएमपी क्वेश्चन, तो वो पहला स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें जो आपका फर्स्ट का आंसर है वो है वी, तो यानी कि आपके आ जाएगा 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है, तो क्या है, डायोप्टर। अम्लों का पीएच मान होता है, तो अम्लों का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम, 7 होता है उदासीन का और 7 से अधिक होता है किसका, क्षारक का। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है, तो क्या कहलाती है, दो न्यूरॉन के बीच की संधि वो कहलाती है आपकी सिनेप्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपको सिनेप्स टिक करना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक समीकरण दिया गया है। ठीक है, समीकरण क्या है, CaO प्लस H2O बन रहा है हमारा CaOH2 प्लस ऊष्मा। तो देखो गाइस यहाँ पर सबसे पहले संयोजी अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि A प्लस B यानी कि दो पदार्थ मिलकर जब उत्पाद बनाए तो संयोजी अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं तो संयोजी अभिक्रिया हुई, और प्लस ऊष्मा भी निकल रही है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी हुई, तो आपका इसका उत्तर होगा सी, यानी उपरोक्त दोनों अभिक्रियाएँ। ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी निषेचन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रया धातु द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता, तो आठवें क्वेश्चन का उत्तर है आपका सी, चमकहीनता। ठीक है, मतलब धातु में चमकहीनता नहीं होती, धातु में चमक पाई जाती है, मतलब चमक पाई जाती है तो चमकहीनता आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद कुछ और आई एम पी यहाँ पर हम खालिस्तान है आपके लिए, जो है अम्ल नीले लिटमस पत्र को खालिस्तान कर देते हैं तो लाल कर देते हैं, और खालिस्तान का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है, तो मरकरी का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है। इसके बाद आपकी सही जोड़ी है कुछ, तो पहला है विद्युत धारा का मात्रक, तो क्या है विद्युत धारा का मात्रक, इसका आंसर है आपका एच, यानी कि कूलाम सेकेंड। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। स्वपरागण द्विलिंगी पुष्प में होता है, परपरागण एकलिंगी पुष्प में होता है। विषमपोषी हिरण है, परपोषी पोषण जोंक में। विद्युत की सुचालक अधातु ग्रेफाइट, और कार्बन का प्रारूप है हीरा। ठीक है, इसके बाद कुछ और खालिस्तान, तो भंगुरता प्रय खालिस्तान का मुख्य गुण है, तो भंगुरता प्रय अधातुओं का मुख्य गुण है। धात्विक ऑक्साइड प्रय क्षारकीय होते हैं, शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। देन आपका छठवा है मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया, तो वंशानुगति के नियम का प्रतिपादन किया। सातवा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई रेखाएं परस्पर खालिस्तान होती हैं तो समांतर होती हैं सल्फर के दहन से।
सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो गाइज मुझे तो लगता है आपके सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब मेरे हिसाब से, मैंने क्योंकि रियल पेपर से क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं इस पर, तो आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप इसे पढ़ लीजिएगा, आप ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर ले आओगे, ऑलमोस्ट 32 में से 30 नंबर ले आओगे। तो पढ़ के जाना। द्रव अधातु है पहला ऑप्शन, तो इसका आंसर आपका ई, वृक्क की संरचना इकाई। अतिक्रियाशील धातु, तो वो क्या है आपकी, वो है सोडियम। यदि आपको पोटेशियम मिला तो पोटेशियम में टिक कर देना, ठीक है। देन नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन में क्या आएगा आपका, नेफ्रॉन है आपका ई, यानी वृक्क की संरचना इकाई। और मतलब पहला जो द्रव धातु था उसका आपका सी हो जाएगा, क्या, ब्रोमीन। और अतिरिक्त अतिक्रियाशील धातु सोडियम। रंध, तो रंध किस पे होती है, रंध होती है हमारी पुष्पों में, और क्या करती है, गैसों का आदान प्रदान। पादप का लैंगिक भाग, तो पादप का लैंगिक भाग क्या है आपका, आपका पादप का लैंगिक भाग हो जाएगा जी, यानी कि पुष्प। नरयुग्मक, तो नरयुग्मक यानी सेक्स का आपका है भी शुक्राणु। एंड विद्युत ऊर्जा का मात्रक, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो है आपका आप देख सकते हो एच, यानी कि किलोवाट घंटा। और विभवांतर का मात्रक आपका जाएगा वोल्ट या फिर ओम एम्पियर, एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ही एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो समूह दो के तत्वों को कहा जाता है, तो समूह दो के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो मेरुरज्जु, मतलब जब भी हम गर्म जल को छूते हैं, हम कुछ हमें अटैक करते हैं तो हम तुरंत मतलब हाथ हटा लेते हैं ना गर्म जल से, आपने चित्र देखा होगा अपनी बुक पे, तो वो किसके कारण होता है, मेरुरज्जु के कारण। कौन सी क्रिया से, प्रतिवर्ती क्रिया से। थर्ड में, मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है, तो वृषाण में होती है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर एवं उसकी फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है, तो आर इज इक्वल टू 2f। श्वेत प्रकाश की दर्पण, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग का प्रकाश का विचलन होता है, तो इसका आंसर है आपका वैगनी, ठीक है। विद्युत घंटी किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग करती है, विद्युत चुंबक का किसी क्षेत्र की निजी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा क्या प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। और पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है। फिर आपका प्रश्न क्रमांक दो है, अधातुएं प्रेय विद्युत की क्या होती हैं, तो अधातुएं क्या होती हैं, कुचालक, और धातुएं सुचालक। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियाँ खालिस्तान कहलाती हैं, तो क्षैतिज पंक्तियाँ अवर्त कहलाती हैं। मनुष्य में खालिस्तान परिसंचरण तंत्र होता है, तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। आकस्मिक पर्यावरण संवेदन की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। एक कोश के जीवों में जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है। किसके द्वारा प्रतिरोध उसके प्रतिच्छेद का होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, कोयला एवं पेट्रोलियम, कोयला एवं पेट्रोलियम का प्राकृतिक भंडार बहुत मात्रा में, बहुत सीमित मात्रा में है, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन थे, यदि आप इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हो ऑब्जेक्टिव वाले, तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आई होप 32 में से ऑलमोस्ट 30 नंबर गेन कर लोगे, रियल पेपर से हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो गाइज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।